राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। काला पीपल क्षेत्र ग्राम कोहड़ी जोड़ पर स्कूल बस ने बालिका को कुचला जिसमें बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं काला पीपल के प्राइवेट स्कूल टैगोर कॉन्वेंट की निजी बस के ड्राइवर ने मासूम बालिका को कुचलकर घायल कर बस लेकर फरार हो गया। वहीं परिजनों की सूचना मिलने पर परिजन घायल अवस्था में लेकर भोपाल आए जो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे के आसपास टैगोर कॉन्वेंट स्कूल की बस का ड्राइवर हेमराज मीना स्कूल के बच्चों को वापस छोड़ने जा रहा था। खोकरा कला के समीप ग्राम कोहड़ी जोड़ पर रहने वाले राकेश चंद्रवंशी की 7 वर्षीय पुत्री कनक को ड्राइवर की लापरवाही के चलते कनक को कुचल दिया गया जिसमें उसे गंभीर चोटें आई जिसे इलाज के लिए भोपाल ले जाया गया जहां पर कनक अपनी जिंदगी की जंग हार गई और उसकी मौत हो गई। कल शाम 6:30 बजे करीब स्कूल की बस MP42P0420 के ड्राइवर हेमराज द्वारा बस को लापरवाही पूर्वक चलाकर कनक नाम की बच्ची उसका एक्सीडेंट कर दिया था जिसकी जो है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते डेथ हो गई थी। अपराध दर्ज किया गया, बस को हमारे द्वारा ले लिया गया कब्जे में, आरोपी की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा चुकी है, विवेचना जारी है। इससे पहले सर स्कूल के बच्चे बसों पर ऊपर सवार होते नजर आते, कहीं ना कहीं वो भी लापरवाही का शिकार हो सकते हैं? हम लोग देख रहे हैं, ऐसा अभी हमारे सामने नहीं आया और भी हम लोग देखते हैं किसी प्रकार की इस प्रकार की होता है तो हम लोग उस पर वैधानिक कार्रवाई। पब्लिक बसों में भी जो है रफ्तार से चलाते हैं मतलब? हाँ, वैधानिक कार्रवाई समय समय पर चालान के माध्यम से की जाती है जी। और नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। खोकरा कला से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट समय जगत पर। समय जगत एक संदेश पूरा देश।